अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 या 2019 के फ्रेश नंबर्स के डिटेल्स निकालना चाहते हैं, यानी फ्रेश डेटा निकालना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं आप लोगों के लिए आज की वीडियो में एक एप्लीकेशन लाया हूँ जिसकी मदद से आप लोग फ्रेश डेटा निकाल सकते हैं। चाहे जो भी नंबर हो, उसकी मेथड आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग कोई भी डाटा निकाल सकते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये एप्लीकेशन 100% वर्किंग है और ये एप्लीकेशन आप लोगों को फ्रेश डेटा भी प्रोवाइड कर रहा है। इस एप्लीकेशन में ना सिर्फ आप लोगों को डेटा मिलेगा बल्कि और भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस की भी वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं और आप लोग ऑनलाइन FIR भी चेक कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। उसके बाद व्हीकल वेरिफिकेशन, पासपोर्ट इंक्वायरीज भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और बिल वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस बॉन्ड भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कौन से चीज़ पे क्लिक करना है, आप लोगों ने सिम डेटाबेस पे क्लिक करना है और सिम डेटाबेस पे आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, थोड़ा आप लोगों ने वेट कर लेना है और एड्स वगैरह को स्किप कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कोई भी नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है विदाउट ज़ीरो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे रेंडमली कोई भी नंबर यहाँ पे मैं डायल कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोग के पास इसका जो डाटा है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे ये नंबर लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो है ना इसका तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मेरे सामने आ गया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे CNIC को कॉपी करेंगे और बैक जाएंगे तो इसका आप लोग जो है ना इसका आप लोग तस्वीर वगैरह भी देख सकते हैं। तस्वीर वगैरह भी निकालने का आप लोग को तरीका बताता हूँ। ये तमाम नंबर भी निकाल सकते हैं। इस तरह आईडी कार्ड, अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे आईडी कार्ड का नंबर, तो इसका तमाम जो है ना बाकी नंबर भी आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ आप लोग जो है ना इसकी ड्राइविंग लाइसेंस पे जाके अगर आप लोग ये नोट करेंगे, जैसे कि ये KPK का है, तो यहाँ पे आप लोग KPK पे आके इसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, अगर वो यहाँ पे आप लोग पुट करेंगे तो इसका आप लोगों के पास इसका पिक्चर वगैरह भी आप लोगों के पास आ जाएंगे, अगर इसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हो। लेकिन आज के दौर में तकरीबन हर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बना होता है। उसके बाद यहाँ से आप लोग व्हीकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और गैस वगैरह इस तरह बिल भी वगैरह देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।